तो थारू निवेदन करनी है एक कल रैली रखेड़ी है और थारा अठी रखेड़ी है नाथ श्री चौपटे में आपने जिकी मंडी को शेड है लिंग नीचे दोपहर 2 बजे प्रकाश सिंह बादल जी आवेगा और अशोक तंवर भी आओ अने सब ने इनवाइट करना है कि थी रैली में ज्यादा से ज्यादा आइयो तो आप मान के चलो थार खातर तो खेत को सुरा है चौपटो जगह रही बात कृष्ण जी अब तक कहा कि मेरो परिवार आदम ज्यादा सागा हो और मैं मेरे परिवार ने छोड़ कम स्कोर मैं मेरे परिवार का सागा आज अंग सागा शामिल मैं एक ही बात कह सकू थाने सिर्फ मैं या तो क्यों हाथ पकड़े को नहीं और पकड़े हो तो बिंग सागे एन आखिरी तक निभाने का काम करो कोई अगलो ही छोड़ के उठ गया तो मन ठाक मैं नहीं अब मान के चलो थारी जिक्की अब चुनाव की लड़ाई है बाकी कोई MLA वाली नहीं है थारी लड़ाई तो सीधी प्रधानमंत्री सागोरी है आप मान के चलो कि अरे इलाहाबाद हल्के को जिक्र सारे देश में होने लग रहा है देश के प्रधानमंत्री ने भी इलाहाबाद को प्रोग्राम ही खातर बनाना पड़े कि भारतीय जनता पार्टी की जमानत भी कौन बचन लग रही है कमाल की बात को नहीं चुनाव तो आपने हरियाणा में होने लग रहे गुजरात वाला आगे वोट मांगे हरियाणा की बात कौन करे बात 370 की करे और वोट मां खातर मांगने वाला आवे जकन 370 को उठा कौन 307 और 302 जाने हरियाणा में आगे SYL को जिक्र कौन करे हरियाणा में 100 ज्यादा नौजवान बच्चा ने बोध के घाटन सरकार उतार दिया वहां पर एक दिन प्रधानमंत्री आ नहीं कही हरियाणा प्रदेश में सरकार जो की है लोगों से नजायज करने लगी अब कल आगे के कह के जाओगे 370 हटा दी 370 को थारे ही पर नाथुजरी पर कोई असर पड़े के कौन पड़े ठंठा है 370 के है ना जी नाक की निठा 370 को असर तो पड़ेगा तो आप मान के चलो जम्मू और कश्मीर पर पड़ेगा और 370 हटाने को जद फायदा हुआ रहे जद पहली आतंकवाद खत्म कर दिया आतंकवाद तो आज भी बैठे जूंगो तू मुंह भाई खड़े अपन तो फायदो जद ही मिल सी जद आपने SYL की नहर बनेगी हरियाणा ने हरियाणा को इससे को पानी मिलेगा अपन फायदो जद हो सी जद किसान ने भी फसल का पूरा दाम मिल सी एक एक दानों सरकार खरीद सी BJP की सरकार तो मान के चलो किसान की दुश्मन है सारी बात तो कल करांगा आज तो अरे इनविटेशन देना हूँ और सागर कृष्ण जी ने एक विश्वास दिलाना है अरे एक मिनट अरे मान सम्मान में कदी कठी कोई कमी नहीं आने जाना अरबिया में मारो बटाऊ है मन तो उठा पड़े बताऊगी तो बिया भी इज्जत कम कौन करे कोई एक मिनट मैं सुनोगे हाँ जब विश्वास ना तो मैं 23 साल जूत खाया तो रंजीत सिंह सागर विश्वास जल्दी खाया वाला बस तो ठीक है नमस्कार मैं हूं हनुमान पूनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़।
हम पहुंचे हैं एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के गांव नाथूसरी किले में। यहां पर इंडियन नेशनल लोकदल का एक कार्यक्रम का आयोजन यहां पर किया गया है और ये कार्यक्रम जो है वो कृष्ण नंबरदार जो है नाथूसरी किला गांव के हैं, उन्होंने अपने निवास स्थान पर कार्यक्रम का आयोजन किया है। फिलहाल कृष्ण नंबरदार हमारे साथ हैं और ये अभी इंडियन नेशनल लोकदल का इन्होंने दामन थामा है। पिछले लंबे समय से वो कांग्रेस पार्टी के साथ थे और अब ये इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के अंदर शामिल हुए हैं। क्या वजह रही है, क्या कारण है, तमाम जो सवाल हैं उनके बारे में, उनसे जो पूरे जो सवाल हैं उसके बारे में पूरी इनसे बातचीत करेंगे, पूछेंगे क्या कारण है। जी सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जी आपका भी स्वागत है, धन्यवाद। आप हमेशा से, हमने पता चला है कि हमेशा से आप कांग्रेस पार्टी में थे, अब इंडियन नेशनल लोकदल आपने ज्वाइन किया है, क्या वजह है ऐसी? वैसे तो ये है कि हम वोट तो देते थे कांग्रेस को ही, लेकिन जो जीतता था ना वो हमारे दोबारा निकलने नहीं आता था। जैसे गिल साहब जीते थे दोबारा नहीं, बरसिंह जीता था दोबारा कहते नहीं आता, और तौर साहब जीता तब भी कहते नहीं आए थे। तो मैं रंजीत सिंह गुट्स का आदमी था, तो जीत जाता था वो तो दिल्ली उठ जाता, हार जाता वो मेरे जुम्मे लग जाता, यही कारण था। अभी आप जो है इंडियन नेशनल लोकदल में आए हो तो उसका वजह जो है चौधरी रंजीत सिंह है या आप अपने लेवल पे इंडियन नेशनल लोकदल में ज्वाइन किया है? पहले बात तो यह है कि हमारी टिकट कटी कि मेरा आदमी कांग्रेस और रंजीत सिंह था, तो इसलिए मैं नाराज़ हो गया कि मेरे कोई आदमी नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ इतने आदमी को लेकर, कोई मेरी सुनता भी नहीं, किस को बोलूँ? पार्टी थोड़ी होती है, व्यक्ति तो होता है। और मैं आज मेरे इतने आदमी है, ये 100 है 500 है या 10,000 आदमी है, तो पहला काम तो मेरा ये है, मैं इसलिए गया। दूसरा मेरा आधा से ज़्यादा परिवार लोकदल में है, मैंने उनका साथ दिया, क्यों मेरा वो एक भाई था वो रहे नहीं, तो परिवार संभालने वाला कौन है? मैं ही हूँ। और मैं इन बच्चों को गलत राज ले जाऊँगा तो आगे कौन जिम्मा रहे? मैं हूँ। तो इसलिए मैंने इन लोगों का दमन समय क्यों। सुनने में ये आया है कि आपके यहाँ पर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हैं, वो यहाँ पे पहले भी कई बार आ चुके हैं, खाना तक यहाँ पे खा के जा चुके हैं, लेकिन आपने कभी भी कांग्रेस पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में वोट नहीं दिए? तो उससे पहले तो मेरा आगे था नारा मूर्ति, उसके पास था और आज मैं उस घर का सर्वेसर, तो मैं इन बच्चों को भटके थे क्यों छोड़ूँ? इनको एक जगह ऐसे जगह लेकर जाऊँ ना तो कल को आपस में लड़े ना, आपस में किसी से टकराए ना, ये अपने काम लगे, सारे साधन संपन्न है, सबके पास पैसे है, सबके पास दौलत है, तो क्यों इनको गलत रास्ते पर ले जाऊँ? हार जीत तो अलग होती रही है। मैंने चौधरी रंजीत सिंह का साथ दिया और आज भी देता रहा हूँ और हमारा आदमी जीत भी रहा है, तो अब हमारे पास 2 विधायक हैं, हमें कोई सरपंच की जरूरत नहीं है, हमें कोई जिला प्रतिनिधि की जरूरत नहीं है, हमें कोई मेम्बर की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें आदमी चाहिए। अब हमारे को 2 मिल गए, जिसके पास SP हो तो सिपाही की जरूरत है, रंजीत सिंह जीतने आ रहे हैं, बिल्लू मैथ को जीतेगा 1000%, क्यों आज जो चुनाव है ये चाह ये मैं नहीं पिला रहा हूँ, मेरे संघर्ष साथी, मेरे को 25 साल हो गए रंजीत सिंह के साथ, और मैं खुद नीचे बैठता था, लोगों को ऊपर बिठाता, इसलिए भी जुड़े रहे। और ऐसे भी होता था हमारे साथ, जो आदमी चला जाता जीत के वो तो गिनता नहीं था, हार जाता था रंजीत सिंह वोट नहीं दे रहे। तो अब की बात चौधरी साहब को मैंने ही कहा था, चौधरी साहब निर्दलीय चुनाव लो, कोई हमारा साथ नहीं देगा और जीतेगा वो। अभी आपके गांव से 4 महीने पहले जो लोकसभा का चुनाव था वहां से आपके गांव से जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल हार गई थी, तो अब आपने ज्वाइन किया है कांग्रेस पार्टी छोड़ के, तो क्या मानते हो आपके गांव में क्या रिस्पांस रहेगा? वो उस टाइम में मुद्दा और था, वो अब मुद्दा ही नहीं है, अब क्षेत्रीय मुद्दे आ गए, पहली बात तो ये हो गई, दूसरी बात ये आ गई कैंडिडेट के मुद्दे आ गए, तीसरी बात अलग अलग व्यवस्था होगी, कल को आदमी भी चाहिए ना, जैसे हमारे गाँव में गरीब आदमी है उसको रात को 10,000 रुपये चाहिए कौन देगा, अभी किसी की शादी है कोई बच्चा बीमार हो गया उसको 500 रुपये कौन देगा, किसी को भाड़ा चाहिए उसको कौन देगा, वो गांव के लोग देंगे, फिर गांव की बात मानेंगे, बाहर तो नहीं जाएंगे। तो इसलिए ये गांव मेरा साथ है, मैंने इनका साथ लिया है और इनके साथ रहे हैं, मेरे पिताजी भी सरपंच रहे, मेरे दादाजी भी सरपंच रहे, मेरा छोटा भाई दो बार सरपंच रहे, मेरे ताऊ का बेटा राममूर्ति वो भी सरपंच रहे, जिला प्रतिनिधि भी रहे हैं, हमारा पूरा ग्राउंड है और जोगीवाड़ा से लेके खुद बेड़ा खुद है वहाँ तक हमारी रिश्तेदारी है, सूर्यराम मैं खुद भी आया हूँ, हर गांव में हमारी रिश्तेदारी है। तो ये हैं कृष्ण नंबरदार जो कि अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी को छोड़कर इंडियन नेशनल लोकदल में इन्होंने ज्वाइनिंग की है। कैमरामैन संदीप वर्मा के साथ हनुमान पूनिया।